है कि आप सबको मेरी आवाज सुनाई भी दे रही होगी और मैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा, राइट? आई मस्ट बी इक्वली वेल ऑडिबल एंड इक्वली वेल विजिबल टू ऑल ऑफ यू। बट फॉर माय कंफर्मेशन, अगर आप लोग, मैं दिख भी रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ, तो अपने चैट बॉक्स में जाके सिर्फ ए फॉर ऑडिबल एंड वी फॉर विजिबिलिटी अगर टाइप कर लेंगे तो मुझे बहुत हर्ष होगा और मुझे पता लग जाएगा कि ये आपको दिख भी रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ। ओके, सो काफी फैंटास्टिक। थैंक यू नताशा जी, थैंक यू प्रदीप पैनलोक जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अन्नपूर्णा जी, थैंक यू डॉक्टर ललित, राइट? सो अगर इतने लोगों को दिखाई दे रहा हूँ तो बाकियों को भी मैं दिखाई भी दे रहा हूँ और मैं सुनाई भी दे रहा हूँ। ओके, तो शुक्रिया आप सबका कि आप सब लोग आज इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और एक जो आज का सेशन है मैनेजमेंट थ्रू माइथोलॉजी, उसके बारे में कुछ डिस्कशन परिचर्चा होगी और उसके बारे में जब बात करेंगे, तो बात शुरू करने से पहले मुझे 3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी मजेदार बात कही थी, वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल, राइट? सो मैंने उस ही चरण में अपना ये पहला प्रयास जारी किया है। और हम लोग क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज जैसे स्टीफन कवी या रॉबर्ट सीएलडी की बातें पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हमने कहा क्यों नहीं इस बार लोकल अर्थात जो हमारे देश की है स्वरचित रामचरितमानस या रामायण है उसके माध्यम से मैनेजमेंट की चीजें देखी जाए। और इसके लिए मैंने सहारा लिया है, एक पुस्तक है जिसके की लेखक है श्री आशुतोष राणा। आप सभी आशुतोष राणा को जानते होंगे, आशुतोष राणा एक बेहद ही मजे हुए कलाकार है, लेकिन साथ में वो एक बेहद ही अच्छे मनोवैज्ञानिक भी है और बहुत ही अच्छे लेखक आधारित होकर मैंने ये एक आज का वेबिनार रखा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है गुरुओं को रामायण के बारे में थोड़ा सा परिचित कराने का। मिश्रा जी, जी जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कट रहा है कहीं पे। ओके, सो बीच में, तो इन केस अगर कुछ ज्यादा होगा तो देन आई विल हेल्प यू, मैं आई विल टेल यू टू प्लीज रिपीट इट, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू। Yes, we can't hear you, Arvind. So, के बारे में बात करने जा रहे हैं, पूरी रामायण के बारे में बात करना तो 45 मिनट में जरा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े अंश के जरिए कुछ अगर हम समझ सकें या सीख सकें। वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो एक तरीके से अरविंद जी, मे बी व्हेन यू आर ओनली स्पीकिंग यू कैन पुट योर व्यू म्यूट, ओके, अनलेस अदरवाइज यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, तो मैं ऐसा कहूं, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा हटा देता हूं तो शायद बेहतर तरीके से आप लोग देख सकें, राइट? और वीडियो हटा के मैं जल्दी से अपने शेयर स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। यस, ओके, तो नमस्कार दोस्तों। सो आज का जो हमारा सेशन है, वेबिनार है, दैट इज अबाउट मैनेजमेंट थ्रू माइथोलॉजी, जिसमें हम कुछ रामायण के छोटे से कथानक या अंश के जरिए, हम समझ से नहीं सीख सकते हैं, राइट? तो मैं जब शुरुआत करना चाहूंगा आज के वेबिनार की, तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग आश्रम शब्द से क्या अर्थ निकालते हैं? तो कई लोग कहेंगे भाई आश्रम क्या होता, आश्रम वो जगह होती है जहाँ साधु लोग तपस्या करते हैं या जहाँ गुरु लोग अपने चेलों से श्रम कराते हैं, या आश्रम वो स्थान होता है जहाँ पे लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्रम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आश्रम में जो आ लगता है वो आता है आनंद से। सो आनंदित होके जहाँ पे श्रम किया जाता है उस स्थान को हम आश्रम कहते हैं। तो इसको हमने इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे इसलिए और डिस्कस किया है क्योंकि अक्सर हम लोग अपने जीवन में श्रम करते हैं आनंद के लिए। जब हम आनंद के लिए श्रम करते हैं तो श्रम करते करते अक्सर हम लोग थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो हमें आनंद मिलता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं हमारे जीवन में आश्रम की, हमारे जीवन में आनंद की समाप्ति हो गई है। लेकिन जब हम आनंद के साथ आनंद के श्रम महसूस होता है और वो आनंद के साथ किया हुआ श्रम होता है वो हमारे हमारे डेस्टिनेशन तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है। तो अगले 40-45 मिनट तक हम लोग आनंद के साथ इसको सुनने की कोशिश करेंगे, आनंद के साथ श्रम करके आनंद के हेतु श्रम नहीं करेंगे, राइट? सो आश्रम वो स्थान होता है
जहाँ पे आनंद के साथ श्रम किया जाता है। तो अगले 45 मिनट में इस वेबिनार को ऑनलाइन आश्रम बनाते हैं और शुरुआत करते हैं रामायण के उस परिप्रेक्ष्य बारे में, जब आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री राम ने जब प्राप्त कर, तो भगवान श्री राम ने वानरों के जो है समुद्र के पास पहुंचे, तो जब भगवान श्री राम समुद्र तो उसके बाद का एक छोटा पार्ट बाय अ बुक बाय नेम ऑफ रामराज एंड दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर आशुतोष राणा, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं इस कथानक के और हम देखते हैं कि राम रीचेस द शोर्स ऑफ इंडियन ओशन। तो श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। अब सामने क्षितिज तक पहले समुद्र को देखकर वह विचार में पड़ गए। उनके सामने एक बड़ी समस्या थी कि इस पूरी सेना को लेकर महासागर को कैसे पार किया जाए, और समस्या सिर्फ एक ही नहीं थी, समस्या दूसरी ये भी थी कि महासागर को पार तो कर लेंगे तो उसके बाद उसका सामना, उनका सामना किससे? उनका सामना विश्व के सर्वाधिक सक्षम सामर्थ्यवान रावण और उसकी सुप्रशिक्षित सेना के साथ है। श्री राम के पास सीमित शक्ति थी, रावण का मुकाबला को विचारमग और श्रीराम को थोड़ा सचिंत देके, आप सभी जानते हैं कि श्रीराम की सेना में मोटिवेशन का कार्य जो करते थे वो जामवंत जी करते थे। जामवंत जी वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर थे, तो जामवंत जी ने अपने मोटिवेशन के सहारे श्रीराम को जब चिंतित देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने श्रीराम को एक सजेशन दिया, एक एडवाइस दी कि श्रीराम इस संसार असाध्य को साधने का एकमात्र सूत्र है कि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, महादेव शिव के पार्थिव स्वरूप का निर्माण पूजा अर्चन या सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है, और इस पार्थिव स्वरूप का रुद्राभिषेक आप महादेव को किसी सच्चे उपास करें, और निर्माण का जो रुद्राभिषेक है महादेव के सच्चे उपासक से ही कराए, प्रसन्न होते ही आपके सभी बाधाएं स्वमेव ही समाप्त हो जाएंगी। इसको कहने के बाद हल्के विराम के बाद उन्होंने श्रीराम की आंखों में झांका और नेत्रों में झांकते हुए बोले, श्रीराम इस समय संसार में महादेव शिव का रावण से बड़ा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आप सभी जानते रावण एक महान शिव भक्त था, राइट। तो यह निश्चित है कि अगर तो महादेव सबका कहा टाल सकते हैं किंतु रावण के आवाहन को नहीं टाल सकते। तो श्रीराम से जब ये बात कही गई तो श्रीराम भी चिंता में पड़े। उन्होंने कहा, महात्मन मेरा जो लंका का आने का उद्देश्य है वह है रावण का नाश करना, रावण की महायज्ञ का आचार होना स्वीकार करेगा जो कि उसके परम शत्रु राम द्वारा स्वयं संपन्न किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोकूंगा और अपना वीडियो ऑन करूंगा। अब प्रश्न यहाँ पे यह है, किधर गया ध्यान नंदा साथी ना? ओके, तो प्रश्न यहाँ पे यह है दोस्तों, यहाँ को आमंत्रित करना था पुरोहित के कार्य के लिए, उस शिवलिंग के पुरोहित के कार्य के लिए जिसका उद्देश्य रावण की समाप्ति या रावण का नाश था। क्या ये एक आसान काम था? मेरे ख्याल से अगर किसी से भी कहा जाए कि साहब हम एक पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपकी समाप्ति के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, आइए चलिए जरा पुरोहित का कार्य करिए, तो कौन इसके लिए तैयार होगा? शायद कोई भी तैयार नहीं होगा, और ये एक इम्पॉसिबल टास्क था। आज के हम मैनेजमेंट के जीवन में अक्सर कहते हैं कि किसी को पिछली बार हमने 100% टारगेट किया था, इस बार 125% टारगेट करना इम्पॉसिबल है, अगली बार 125% की जगह 150% टारगेट करना इम्पॉसिबल है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मुश्किल कोई टास्क नहीं हो सकता। महादेव के रुद्राभिषेक के आचार्य पद के लिए रावण को आमंत्रित करना जिसका उद्देश्य रावण की समाप्ति व रावण के पराजय और समाप्ति। तो देखिए कि इस इम्पॉसिबल कार्य को कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, चलिए तो जरा आगे देखते हैं। और मैं फिर से अपनी स्क्रीन को अपने यहाँ पे शेयर करता हूँ और अपने वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जिससे बैंडविड्थ की समस्या ना आए, राइट। ओके, तो ऋषि ने कहा कि रावण महादेव के पूजन के लिए अवश्य आएगा। क्यों आएगा? कि अब एक बड़ी मजेदार चीज है कि रावण क्यों आएगा। आप लोग भी कहेंगे भाई रावण को बेवकूफ है तो जो आएगा, रावण इसलिए आएगा कि रावण पूरे संसार में बता चुका है कि रावण सबसे बड़ा शिव भक्त है।
रावण ने बाका तो ढोल बजा रखा है, रावण ने पूरा डिक्लेयर कर रखा है स्वयं को कि वो सबसे बड़ा शिव भक्त है, और शिव के किसी भी कार्य में रावण ना उपस्थित हो ऐसा हो नहीं सकता। ये कुछ और नहीं है, ये रॉबर्ट सी एल डेनी साहब का प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी है। रॉबर्ट सी एल डेनी जो कि एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं, उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल निकाले थे, जिसमें से एक प्रिंसिपल था कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल ये कहता है the people to seem consistent with their word, beliefs and attitudes and deeds. This tendency comes from two sources. It is valued by the society and it reduces complexity. So, जैसा कि यहाँ पे समझाया गया कि commitment of consistency क्या होता है, ये बताता है कि अगर हमने अपने आप क्लेम कर लिया है या अपने बारे में हमने एक कोई पब्लिसिटी कर ली है कि हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी बिलीफ जो होती है वो हमारे एटीट्यूड को बनाती है और हमारे एटीट्यूड हमारे एक्शंस को बनाते हैं। तो यहाँ रावण ने सबके सामने डिक्लेयर कर रखा है कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। उन्होंने 21 बार अपने शीश को काट के रावण को शिव को समर्पित किया था। तो जब उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, तो शिव का कोई विकार होगा तो मैं नहीं आने में कभी भी नहीं चुकूंगा, भले ही उसमें मेरा खुद का नुकसान क्यों ना हो। जाहिर सी बात है, जब रावण ने पब्लिकली ये चीज कमिट कर रखी है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो उसी कंसिस्टेंसी के साथ होगा। और ये बात जामवंत बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए कहा कि महादेव के पूजन के लिए रावण अवश्य आएगा, लेकिन रावण कोई बेवकूफ नहीं है, रावण काफी शास्त्र निपुण भी था और शस्त्र निपुण भी था, तो रावण को बुलाने के उसको संतुष्ट करना बहुत आवश्यक होगा, राइट। तो अगर रावण को संतुष्ट करना आवश्यक होता, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो रावण को संतुष्ट भी कर सके और उसको बुला भी लाए। जामवंत के इस कथन को सुन के लक्ष्मण जी वहां पे खड़े हुए थे, तो लक्ष्मण जी इस कथन को सुन के बहुत ही गर्व से बोले राम जी से कि राम जी आप मुझे इजाजत दें, मैं रावण को पूर्ण संतुष्ट करके अपने साथ उसको लेकर आऊंगा, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आरंभ करिए। श्री राम को अपने छोटे भाई के स्वर में अहंकार सुनाई दिया। लक्ष्मण उनके भाई नहीं भक्त भी थे, और परमात्मा अपने सेवक के अहंकार को पुष्ट करते हैं लेकिन भक्त के अहंकार को वो नष्ट करते हैं। श्री राम मुस्कुरा दिए और बोले, भाई लक्ष्मण क्या तुम पक्का रावण को ले आओगे? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपको अपने भाई की क्षमता पर तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और लक्ष्मण श्री राम का आशीर्वाद लेकर लंका की ओर बढ़ गए। लक्ष्मण जब रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण ने बेहद आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया, लक्ष्मण को अपने समीप आसन पर स्थान दिया और बोले, लक्ष्मण बताइए आप किस उद्देश्य में लंका नगरी में से आपका आगमन हुआ है, मैं आपका क्या हित साध सकता हूं? लक्ष्मण जिनको अभी तक अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, भाई उनको तो ये था कि मैं रावण के पास जाऊंगा तो रावण मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हो सकता है रावण मेरे खिलाफ जाए। लेकिन लक्ष्मण को अपनी पूरी पे शक्ति पे अविश्वास तो था, लेकिन रावण के से इस सदव्यवहार की उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वे पल भर के लिए आश्चर्य में पड़ गए, विस्मयाभूत हो गए। तो रावण उनकी दशा को देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, लक्ष्मण आप अयोध्या के राजकुमार हैं, यदि यह दशानंद लक्ष्मण का कोई भी हित साध कर सकता है तो लक्ष्मण को निसंकोच अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। रावण की सहृदयता ने लक्ष्मण की शक्ति के मान को क्षण भर में ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे आप कस्टमर सर्विस का एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर कोई कस्टमर बहुत गुस्से में आए और उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो गए कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिस ऑफिस में जा रहा हूँ या जिस ब्रांच में जा रहा हूँ, वहां पे मेरे को कुछ विरोधाभास मिलेगा, लेकिन वहां पे विरोधाभास मिलने की जगह अगर सत्कार मिलता है या वेलकम मिलता है या उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, तो वो कस्टमर भी एकदम से अपनी जितनी भी गुस्सा को लेके आता है, जितने क्रोध को लेके आता है, वो उसका क्रोध और गुस्सा जल्दी ही ध्वस्त हो सकता है, राइट। तो इसको हम कस्टमर सर्विस में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, जो रावण की सहृदयता यहाँ पे है। तो रावण की सहृदयता ने लक्ष्मण के मान को क्षण भर में ध्वस्त कर दिया। लक्ष्मण को लगा कि रावण के लिए उनका शक्तिशाली होना जैसे कोई मायने ही नहीं रखता। रावण उन्हें देख कर ना तो विचलित हुए ना ही चिंतित हुए, उन्होंने शत्रु के प्रति सतर्कता के भाव को अपने हृदय में लेशमान भी स्थान नहीं है। लक्ष्मण रावण के बड़प्पन के सामने स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने गले को साफ करते हुए बोला, हे लंकाधिपति रावण, मेरे महान पराक्रमी भाई अयोध्या नरेश श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य लंका का विजय है। अतः आपसे निवेदन है कि आप स्वयं चलकर महादेव शिव के महारुद्राभिषेक कर
इस महायज्ञ के पुरोहित कर्म को संपन्न करें। संसार में आपसे बड़ा महादेव का कोई भक्त नहीं है, साथ ही आप सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण वर्ण के हैं। इस नाते आपका दायित्व बनता है कि आप आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होकर अपने यजमान के पुण्य मनोरथ को पूर्ण करने में सहयोगी बने। बहुत ही नपातुला और कैलकुलेटेड प्रेजेंटेशन था लक्ष्मण का। यहाँ पे देखिए लक्ष्मण का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तो अगर हम सेल्स प्रोसेस में देखें तो हमारे सेल्स के बहुत से लोग या कभी कभी जब भी हम अपने प्रोडक्ट या अपने केस को प्रेजेंट करने जाते हैं तो अपने प्रेजेंटेशन को तो बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन अक्सर प्रेजेंटेशन के बाद जो ऑब्जेक्शन आता है उसके लिए हम तैयार नहीं होते, और इसके तुरंत बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ गया। राइट, रावण का ऑब्जेक्शन आया। ऑब्जेक्शन क्या था? रावण ने बेहद गहरी दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा और बोले, लक्ष्मण मुझे महादेव का महारुद्राभिषेक करने में अतीव सुख प्राप्त होगा, किंतु मैं सिर्फ उजी यजमान का आचार व्रत ग्रहण करता हूं जो सपत्नीक हो। सपत्नीक हो मतलब जिसकी पत्नी हो, और इस समय रघुकुल भूषण राम विवाहित होते हुए भी पत्नीविहीन है क्योंकि उनकी पत्नी मेरे अधिकार में है। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? राम की इच्छा पूर्ति के लिए मुझे अपना व्रत भंग करना होगा? तो तुम जाओ और राम से पूछ कर आओ कि राम क्या चाहते हैं, कि रावण उनकी पत्नी को सीता को साथ लेकर आए जिससे राम का उद्देश्य भी पूरा हो सके और मेरे व्रत की रक्षा भी हो जाए। अब यहाँ देखिए रावण ने जो अपनी ऑब्जेक्शन रखा है, ऑब्जेक्शन रखने का तरीका कितना खूबसूरत है। इसको हम लोग अक्सर मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन की भाषा में सैंडविच टेक्निक कहते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे सैंडविच टेक्निक क्या होती है। सैंडविच टेक्निक में जब हम बात कहते हैं तो ऊपर जाहिर सी बात है एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन होता है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद फिर मेन कम्युनिकेशन होता है, और उसके बाद नीचे फिर एक और पॉजिटिव कम्युनिकेशन से उसको खत्म किया जाता है। तो रावण के इस स्टेटमेंट को जरा फिर से सैंडविच टेक्निक के तौर पे एनालाइज करते हैं। रावण ने कहा, लक्ष्मण मुझे महारुद्राभिषेक में अतीव सुख प्राप्त होगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, किंतु अब ये देखिए यहाँ पे हार्ड फैक्ट आ गया, मैं उसी यजमान का आचार प्रत ग्रहण करना चाहता हूं जो सपत्नीक हो, और इस समय रघुकुल भूषण राम विवाहित होते हुए भी पत्नीविहीन है। तो यहाँ रियल फैक्ट आ गया, और एंड उन्होंने क्या किया स्टेटमेंट का, कि जाओ और राम से पूछ कर आओ कि राम क्या चाहते हैं, क्या मैं अपने व्रत की रक्षा करूं या सीता को साथ लेकर आ जाऊं। दिस इज फैंटास्टिक कम्युनिकेशन विच इज डन बाय रावण। चलिए खैर अब जरा लक्ष्मण की मनोदशा देखते हैं कि रावण के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद लक्ष्मण की मनोदशा क्या थी। लक्ष्मण सोच में पड़ गए कि भाई यदि वे रावण की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि सीता जी को साथ लेके चले तो ये श्रीराम के पुरुषार्थ और पराक्रम का अपमान होगा। संपूर्ण जगत श्रीराम की लंका विजय को रावण का दिया हुआ दान समझेगा, और पापी और दुरात्मा होने के बावजूद भी रावण अपनी सहृदयता के कारण महादानी की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाएगा। और यदि वो कहते हैं कि भाई सीता को ना लेकर चलिए तो ये हो जाएगा कि राम और लक्ष्मण ने रावण की सहृदयता का लाभ उठाते हुए रावण को अपनी संकल्प को खत्म करने को कहा। और जैसा सभी जानते हैं कि रावण जो है हर धर्म का उपासक है, वह किसी भी मूल्य पर अपने व्रत का उल्लंघन नहीं करेगा। अपने व्रत के कारण रावण आचार्य के पद को ग्रहण नहीं करेगा और परिणाम स्वरूप श्रीराम की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। अब लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि उनको करना क्या चाहिए। राम की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति ही लक्ष्मण का धर्म था, और लक्ष्मण वचन देने के बाद भी आज असमर्थता और असफलता के भाव से भरे हुए थे। उन्होंने दुखी होकर रावण को प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा आचार, मैं प्रभु से पूछ कर आता हूं। लक्ष्मण को अपने सैन्य शिविर में अकेला आते देखकर श्रीराम ने उत्सुकता से पूछा, प्रिय भाई क्या रावण ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया? उसने क्या कहा मुझे बताओ। अपराध बोध से भरे लक्ष्मण श्रीराम से बोले, भैया मैंने उसे लगभग तैयार कर ही लिया था। अब ये लक्ष्मण की भाषा काफी कुछ एक सेल्स पर्सन के जैसी है या उस एग्जीक्यूटिव की जैसी है जो कि एक प्रोजेक्ट की सफलता के लिए गया तो था लेकिन उसे असफलता मिली। तो यहाँ पे वो ईगो के चक्कर में अपनी असफलता को बताता तो नहीं है लेकिन उसे हाइड करता है। तो यहाँ जरा लक्ष्मण की लैंग्वेज सुनिए, भैया मैंने उसको लगभग तैयार कर ही लिया था, किंतु उसका व्रत है कि वह पत्नी रहित यजमान का आचार नहीं बनेगा, और क्योंकि मातृश्री सीता इस वक्त अशोक वाटिका में उनके अधिकार में है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं श्रीराम से पूछ कर आऊं। प्रभु प्रश्न आपके लिए था, रावण अपनी आपकी इच्छा जानना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी ओर से कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा। आप मुझे अपनी इच्छा बताएं कि मैं शीघ्र ही रावण को उपस्थित कर दूंगा। रावण ने एक अन्वेषक एक जासूस की दृष्टि से लक्ष्मण को देखा।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को स्नान कराते समय संपूर्ण शरीर की सूक्ष्मता से निरीक्षण करती है। श्रीराम ने पाया कि लक्ष्मण असफलता से आहत अपने मन को अपने ध्वस्त अहंकार से छिपाना चाहते थे, सो श्रीराम ने लक्ष्मण की चेष्टा में सहयोग करते हुए स्नेह से बहुत ही प्यार से और गंभीरता से बोला कि प्रिय भाई जाओ, जाकर रावण से कहना कि वह सीता को साथ लेकर आए। रावण अपने संकल्प की पूर्ति के लिए किसी अन्य को अपना संकल्प पूर्ण के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जैसे ही राम ने यह बात कहा तो लक्ष्मण को ऐसे ही मिला जैसे एक एग्जीक्यूटिव को अपने बॉस से अप्रूवल मिल जाता है कि भाई हमारे साथ सर ये शर्त रखी गई है, अगर हमें ये अप्रूवल मिल जाए तो सर हम बिल्कुल ये प्रोजेक्ट को बिल्कुल अप्रूवल इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वही खुशी लक्ष्मण को हुई और लक्ष्मण ने भावभीत होकर श्रीराम के चरणों में गिर पड़े और श्रीराम ने उन्हें उठाया और बोले कि लक्ष्मण तुम्हारे भाई मर्यादा के पालन का व्रत लेके आए हैं, इसलिए चाहे प्रेमी हो या बैरी, मित्र हो या शत्रु, मैं सभी की मर्यादा का पालन करूंगा। मेरे लिए राम की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मर्यादा की रक्षा करना, इसलिए स्वस्थ मन से जाओ। उन्होंने लक्ष्मण के सारे विकार हटा दिए और उन्हें दोबारा से मोटिवेट करके बोले कि स्वस्थ गो विद हेल्दी माइंड एंड स्पिरिट, सो स्वस्थ मन से जाओ और रावण से मेरे आग्रह को निवेदित करो। लक्ष्मण एक बार फिर से रावण को लाने के लिए लंका की ओर चल पड़े और इस बार लक्ष्मण के अंदर उत्साह दुगना था, भाई क्यों नहीं होगा, आखिर अप्रूवल मिल चुका है। तो अप्रूवल मिलने के बाद क्योंकि उत्साह दुगना था तो माता सीता के वो रावण के पास गए और जैसे ही रावण के सभा भवन के द्वार पे पहुंचे तो देखा रावण अपने भव्यतम रथ पर आरूढ़ होकर कहीं जाने की तैयारी में था। रावण में इस बार सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर दिया। रावण बहुत ही खतरनाक डिप्लोमेटिक बंदा था। रावण को आप हल्के में नहीं ले सकते, उसको शास्त्र का ज्ञान था, शास्त्र का ज्ञान था और वो बहुत ही बड़ा महान प्रकांड पंडित था और डिप्लोमेसी उसके बाएं हाथ का खेल थी। तो रावण ने इस बार सिनेरियो ही चेंज कर दिया, उसने पूरा सिचुएशन ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम तैयारी से आ रहे हो, तुम जिस तैयारी से आ रहे हो मैं उस पूरा सिनेरियो को ही चेंज कर दूंगा, राइट। तो रावण ने क्या किया, रावण ने वहां पे जैसे ही लक्ष्मण पहुंचे तो देखा रावण भव्यतम रथ पर आरूढ़ होकर कहीं जाने की तैयारी में था। उसका स्वर्ण निर्मित रथ स्वर्ण दंड पर सफेद पताका फहरा रही थी जिस पर वीणा का चिन्ह अंकित था। उसके रथ में संसार के श्रेष्ठतम नस्ल के 10 श्वेत घोड़े जुटे हुए थे। वह स्वयं राजसी वस्त्रों में नहीं अपितु सुंदर जगमगाते श्वेत अंग वस्त्र को धारण किए हुए था जिसमें उसके अलौकिक व्यक्तित्व की छटा अवर्णनीय थी। वह ज्ञान के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित एक दिव्य पुरुष की भांति प्रतीत हो रहा था। लक्ष्मण के लिए रावण का यह रूप अकल्पनीय था। रावण ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था लक्ष्मण ने कि रावण इस रूप में भी उसके सामने आ सकते हैं। वे रावण की ओर बढ़ने की उपेक्षा ठिठक गए। तभी रावण की दृष्टि उन पर पड़ी, वह पैदल ही लक्ष्मण की दिशा में बढ़ गया। उसके साथ अन्य सामंत अंगरक्षक भी बढ़ने लगे जिनको रावण ने अपनी दृष्टि मात्र से रोक दिया। वह अकेला ही लक्ष्मण के पास पहुंचा। अपने सामने महादेव के इस महान भक्त रावण को देखकर, जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश को एक बार नहीं बार बार काट के उनके चरणों में समर्पित किया था, लक्ष्मण के हाथ स्वतः ही प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। रावण ने सस्वर उन्हें आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव लक्ष्मण, बहुत शुभ बेला में तुम्हारा आगमन हुआ है। महादेव के संध्या पूजन का समय हो गया है, आओ उनकी अर्चना के बाद ही हम अपनी चर्चा करेंगे। लक्ष्मण रावण के साथ रथ में बैठकर महादेव के मंदिर की ओर चले गए। रावण की सात्विक ऊर्जा के प्रभाव में लक्ष्मण सोच में पड़ गए कि यह व्यक्ति इतना घृणित काम कैसे कर सकता है। स्वयं महादेव, स्वयं शिव जिसके गुरु हो, उसको तो पुण्य के आकाश पर आलोकित होना चाहिए, किंतु यह बंदा कैसी की विसंगति है कि यह रावण पाप के रसातल में गिर पड़ा है। मतलब ही शुड बी एट द टॉप ऑफ हिज परफॉर्मेंस, लेकिन इसका मॉरल कैरेक्टर तो बिल्कुल डाउन हो चुका है। ये शिव जी के साथ भी होने के बावजूद ये कैसा संभव है। रावण एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी था। रावण लक्ष्मण के हृदय में बैठकर उनके सारे विचारों को पढ़ रहा था। लक्ष्मण से रावण बोला कि लक्ष्मण बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, लक्ष्मण कभी कभी जिसे हम पाप समझते हैं वह पुण्य पहुंचने का मार्ग होता है, इसलिए मार्गी के मार्ग को देखकर उसकी मंजिल का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी प्रकाशित मार्ग पर चलने वाले भी अंधकार के गर्भ में समा जाते हैं और कभी कभी अंधकार में चलने वाला भी प्रकाश को उपलब्ध हो जाता है। और एक जो दो लाइनें अगली आ रही हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई कर्म अर्थात कार्य, कर्म या कार्य सत्य असत नहीं होता है। कोई टास्क या
वर्क इज नॉट गुड और बैड, कोई कर्म सत या असत नहीं होता है, उसमें निहित उद्देश्य उस कर्म को सत्कर्म या दुष्कर्म की श्रेणी में रखते हैं। द मोटिव बिहाइंड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी पुट्स इट बिहाइंड इन द कैटेगरी ऑफ गुड जॉब और अ बैड जॉब। अगर आप देखें तो एक टेररिस्ट और मिलिट्री मैन में आर्मी में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही कर्म करते हैं, दोनों गोली चलाते हैं, लेकिन एक देश की रक्षा के लिए कर रहा होता है और एक भाई बहनाने के लिए, राइट। तो ये मोटिव होता है, ये जो उद्देश्य होता है वो किसी भी कर्म को सत्कर्म और दुष्कर्म की श्रेणी में रखता है। तो लक्ष्मण को पता ही नहीं था, बातों बातों में मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुके थे, रावण महादेव की अर्चना में लीन हो गया और बेहद भक्ति भाव से स्वरचित शिव स्त्रोत का पाठ करने लगा। महादेव द्वारा दी हुई वीणा पर रावण की उंगलियां ऐसे चल रही थी जैसे रावण स्वयं ही वीणा हो गया हो। गर्भगृह में उठने वाले अलौकिक दैविक संगीत का प्रभाव ऐसा था जिससे संगीतकार को मिटाकर संगीत में रूपांतरित कर दिया था। लक्ष्मण को लगा कि जैसे वादक वाद्य श्रोता सभी समाप्त हो गए हैं और वहां कुछ शेष है तो मात्र संगीत। द्वैत का भाव अद्वैत में रूपांतरित हो चुका था। एक समय ऐसा लगा कि संगीत का अस्तित्व समाप्त होकर परम शांति में रूपांतरित हो गया है और वे निर्विकल्प समाप्ति को उपलब्ध हो चुके थे। अचानक उन्हें लगा कि उन्हें कोई पुकार रहा है। उन्होंने देखा कि उनके समीप बैठा रावण उनसे पूछ रहा है, लक्ष्मण मुझे बताओ राम क्या चाहते हैं, क्या वे मेरे धर्म संकट का निवारण करेंगे। लक्ष्मण को लगा कि जैसे किसी ने आसमान से उतार के उनको धरती पर पटक दिया। वे अनायास ही बोल पड़े, महात्मन श्री राम चाहते हैं कि आप अपने संकल्प को ना तोड़े, आप माता सीता को अपने साथ लेके चले। रावण ने बेहद गहरी दृष्टि से लक्ष्मण को देखा और बोले, ठीक है अब तुम मुझे बताओ कि मुझे किस सीता को अपने साथ लेकर चलना है। भाई जाहिर सी बात है रावण को भी समझ गया था कि इस जो ये रुद्राभिषेक हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो इतनी जल्दी तो चलने वाला था नहीं। तो उसने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि मुझे किस सीता को अपने साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन हो गया। लक्ष्मण अप्रूवल तो लेकर आए थे, लेकिन उस अप्रूवल पे अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन लक्ष्मण इसका जवाब दें उससे पहले हम ये समझते हैं कि रावण ने अभी ये पूरा क्या कार्य किया। रावण ने जैसे ही लक्ष्मण आए तो उनको अपने वो वाले दर्शन दिए जो कि उसके बिल्कुल ही अकल्पनीय थे। उन्होंने रावण लक्ष्मण को अपने साथ शिव की अर्चना के लिए ले गए, वहां उन्हें अपने वो रूप के दर्शन कराए जो कि शायद लक्ष्मण ने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो लक्ष्मण कर क्या रहे हैं, लक्ष्मण बेसिकली रावण क्या कर रहा है, रावण ओके कैन टॉकिंग कैन आई हैव माय वीडियो ऑन, यस। तो यहाँ पे लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, रावण ने क्या किया, रावण ने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी का प्रयोग किया। जैसे रॉबर्ट सियाल्डिनी की 6 प्रिंसिपल्स थे, उसमें से रावण ने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी का प्रयोग किया। और प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी क्या कहती है वो मैं जरा आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ये कहती है कि यू कैन कम्युनिकेट एंड परसुएट द पीपल इफेक्टिवली इफ यू कैन क्रिएट एन ऑरा ऑफ एन एक्सपर्ट, इट मेक्स पीपल परसीव यू एज हैविंग नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी अबाउट अ सब्जेक्ट। रावण ने अपना कद लक्ष्मण के सामने बहुत बड़ा कर दिया। लक्ष्मण स्वयं को रावण के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगे क्योंकि लक्ष्मण ने देखा ये तो रावण को छोरी है, रावण को मैं कुछ और सोच के आया था और रावण तो कुछ और ही निकला। ये तो महान ज्ञाता है, ये तो महान वीणा वादक है, ये तो महान शोधकर्ता है, इसके पास तो श्लोक इसने स्वचरित कर रखे और महादेव की आराधना इस प्रकार करता है कि वो एक निर्विकल समाधि में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर रावण ने एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का ऑरा क्रिएट किया और इस ऑरा ने लक्ष्मण के परसेप्शन को बिल्कुल क्लोज कर दिया और लक्ष्मण अपने आप को बेहद कमजोर महसूस करने लगे। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने अथॉरिटी के प्रिंसिपल का यूज किया तो उसका साइज कितना बड़ा हो गया और उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो अपने आप को साइज में कितना छोटा महसूस करने लगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि रावण ने अथॉरिटी के प्रिंसिपल को यूज किया और डिप्लोमेसी और ये रावण की डिप्लोमेसी थी जिसने यहाँ पे उसका प्रदर्शन किया और रावण लक्ष्मण से बिना बात किए ही लक्ष्मण को बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। अब लक्ष्मण जो ऑलरेडी निरुत्तर हो चुके थे उसके प्रभाव में आ चुके थे, अब वो अपना प्रयास कैसे करते जरा देखते हैं। तो यहाँ पे उसको पूरा निरुत्तर करने के बाद रावण ने अपना ऑब्जेक्शन रखा। रावण ने कहा, ये लक्ष्मण को बेहद गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि भाई बताओ कि मुझे किस सीता को अपने साथ लेके चलना चाहिए। अब ये प्रश्न तो बड़ा ही विकट था,
कि भाई किस सीता को अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो रावण का प्रश्न सुनकर लक्ष्मण थोड़ा सा व्यथित हो गए, लक्ष्मण थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रावण से कहा, भाई रावण संसार में एकमात्र एक ही सीता है, संसार में एकमात्र एक ही सीता है, और वो सीता वही है जिनको तुमने अपने पास बंदी बना के रखा हुआ है। तो तुम्हारे प्रश्न का आश्रय क्या है ये मैं तुमसे समझ नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो रावण का प्रश्न सुनकर लक्ष्मण सन्न हो गए और उन्होंने कहा कि संसार में मात्र एक ही सीता है जो श्री राम की पत्नी है और आपके अधिकार में है, आप उन्हें साथ लेकर चलिए। रावण ने कहा, लक्ष्मण ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, तुम फिर से जाओ और रावण से पूछ कर आओ कि मैं किस सीता को लाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अज्ञान के कारण, जिसे तुम अपना ज्ञान समझ रहे हो और जिसके विश्वास पर तुम त्रिलोक विजेता दशानंद रावण को अपने साथ लिवा लेना के दम्भ से भरे हुए हो, वह राम और रावण दोनों को अपने संकल्प को नष्ट करने का कारण बने। लक्ष्मण यदि तुम किसी की संकल्प पूर्ति का सहायक नहीं हो सकते तो किसी को संकल्प च्युत करने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी अस्पष्ट मानसिकता संकल्पों के पर्याय राम और रावण दोनों के पतन का कारण होगी। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, तुम्हारे आवेशित भ्रम चित्त के कारण मैं संकल्प मूर्ति राम को के संकल्प को ध्वस्त नहीं करना चाहता। रावण का मिश्रा जी संकल्प को पूरा कर, मिश्रा जी वी कांट हियर यू, कैन यू प्लीज रिपीट। हुआ है, मैं दशानन रावण राम के उद्देश्यों का साधक हूं। एक बार मैं दोबारा यहाँ आपको कि भाई आप मैं जब लक्ष्मण रावण ने पूछा कि भाई मैं किस सीता को लेकर चलूं, तो लक्ष्मण बोले कि भाई एक ही तो सीता है जो कि श्री राम की पत्नी है। उनको साथ प्रश्न का उत्तर नहीं है, तुम फिर से जाओ और किस सीता को साथ में लेके आने की बात कह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अज्ञान के कारण, जिसे तुम अपना ज्ञान समझ रहे हो, तुम्हारे विश्वास जिसे तुम अपने जिसके बल पे तुम त्रिलोक विजेता दशानंद रावण को साथ में ले जाने के दम्भ से भरे हो, वह रावण और राम दोनों के संपल को संकल्प के समाप्ति का कारण ना बने। तुम्हारी स्पष्ट मानसिकता संकल्पों के पर्याय राम और रावण दोनों के पतन का कारण बन सकती है। रावण का जन्म राम के संकल्प को पूरा करने के लिए हुआ है, तो मैं दशानंद रावण राम के उद्देश्यों का साधक हूँ, बाधक नहीं हूँ, इसलिए वापस जाओ। राम ने तुम्हें भ्रम के निवारण के लिए भेजा है, भ्रम का कारण बनने के लिए नहीं। तो मैं जरा एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई? ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जिमी, वाज दिस वन ऑडिबल? बीच में यू नो देयर वाज सम डिस्टरबेंस, बट आई बिलीव लेट्स चेक विद ऑडियंस। इन एनी केस द ऑडियो क्वालिटी इज पुअर टुडे अनफॉर्चूनेटली, but yeah, I mean, so far so good. Let's check with others. I mean, anything they want you to repeat? Anything? I'll just take this away. इसको थोड़ा सा बंद करते हैं और वापस जाते हैं, जरा अपना वीडियो ऑन करते हैं. So, any questions till now? कोई आवाज अगर नहीं आ रही है कहीं पे? Can I have go to the chat box? Bad voice, very inconsistent voice, not clear. Would be recording. Yeah, me too recording. Okay, now it is okay. In between there was a voice break. Clear for me at least. Okay, thank you, Anuj. Intermittent audio issues. Now it is okay. Only the last 2 minutes was not audible. Okay. So maybe okay now. जब you know कौन सी सीता को लेके आए, maybe वहाँ से अगर आप वापस you know if you can speak, then it becomes probably helpful for all of us. Okay, sure. I'll do that. तो यहाँ पे मैं अपना जरा share भी नहीं करता हूँ और आपसे बात करता हूँ. तो सीता रावण ने कहा लक्ष्मण से, ये लक्ष्मण मुझे ये बताओ कि मैं किस सीता को अपने साथ लेके चलूं। तो लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण क्योंकि रावण के प्रश्न को सुन हो गए, बोले आचार्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस सीता से आपका क्या तात्पर्य है। श्री राम ने मुझे आपसे यह निवेदित करने के लिए कहा था कि मैं आपसे आग्रह करूं कि आप सीता को मेरे साथ लेके चले, अब आप ये नया प्रश्न पूछ रहे हैं। भैया नए प्रश्न का क्या मतलब है? संसार में मात्र एक ही सीता है जो श्री राम की पत्नी है, जो इस समय आपके अधिकार में है, आपसे आग्रह है कि आप उन्हें लेकर चले। Good to go now? This was clear? मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप के और पास आ गया हूं, राइट? ओके, लक्ष्मण की ये बात सुन के रावण बोले, नहीं लक्ष्मण ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है,
तुम फिर से जाओ और राम से पूछो कि वो किस सीता को साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अज्ञान के कारण, जिसे तुम अपना ज्ञान समझ रहे हो, जिसके विश्वास पर तुम त्रिलोक विजेता दशानंद रावण को अपने साथ ले जाने के दम्भ से भरे हुए हो, वो राम और रावण दोनों को अपने संकल्प को ध्वस्त करने का कारण बन जाए। लक्ष्मण, यदि तुम किसी के संकल्प पूर्ति में सहायक नहीं हो सकते तो उसके संकल्प को तोड़ने के अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम्हारे आवेशित भ्रमित चित्त के कारण मैं संकल्प मूर्ति राम का संकल्प नहीं तोड़ सकता। रावण का जन्म राम के संकल्पों को पूरा करने के लिए हुआ है। मैं दशानन रावण राम के उपदेशों का साधक हूँ, बाधक नहीं। इसलिए वापस जाओ और राम ने तुम्हें भ्रम के निवारण के लिए भेजा है, भ्रम का कारण मत बनो। लक्ष्मण को लगा कि जैसे उसका पूरा अस्तित्व चूर चूर हो चुका है और रावण के कथन ने उनके अहंकार को पूरा ध्वस्त कर दिया। जिस रावण को वे अभी तक श्रीराम का बाधक समझ रहे थे, वह तो श्रीराम की ध्येय पूर्ति का सबसे बड़ा साधक है। त्रिलोक विजेता सृष्टि के समस्त ज्ञान को सिद्ध करने वाले लंकाधिपति दशानन रावण को जीत कर ही तो राम अपने विस्मृत नारायणत्व को प्राप्त कर पाएंगे। और जो नर को नारायण में रूपांतरित करने का कारक हो वह बाधक नहीं। कितनी समानता है श्रीराम और रावण के चिंतन में। श्रीराम जहां रावण को संकल्प को तोड़ना नहीं चाहते, वहीं रावण भी श्रीराम के संकल्प को लेकर सजग है, या घोर शत्रुता में भी संकल्प की रक्षा करना चाहता है। और इसी इस प्रकार लक्ष्मण वापस अपने थे लेकिन श्रीराम में समाता की बात यह थी कि असफल होने के बाद भी लक्ष्मण नहीं आनंद से ग्रसित थे। श्रीराम ने बिना कुछ बोले, जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मण को अपने गले से लगाया, रो रहे थे लेकिन इसकी धड़कन रही है। हमारी असफलताएं नहीं होती हैं, हमारे दुख का कारण हमारा अहंकार होता है। अहंकार से भरा हुआ चित सफलताओं के शिखर पर होते हुए भी हमें आनंदित नहीं अवसादित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अहंकार के सभी सभासदों में प्रसन्नता ये थी कि क्या आप पार्थिव शिव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सभी घटनाक्रम के बीच एक बार कोने में पूरी स्थिति कर लिया। अब हीरो सामने हनुमान, तो श्रीराम ने कहा, हनुमान क्या तुम इस कार्य को संपन्न कर सकते हो? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी कृपा। हनुमान को आदेश दिया, पवन पुत्र जाओ, महान शिव भक्त आचार्य रावण को शीघ्र यहाँ लेके आओ जिससे यह शुभ कार्य संपन्न हो सके। हनुमान ने श्रीराम को दंडवत प्रणाम किया और श्रीराम जय राम जय जय राम कहते हुए श्रीलंका की ओर उड़ गए। तो अपने हृदय में श्रीराम को धारण करते हुए ऐसे ही हनुमान ने लंका के सिंह द्वार पर कदम रखा, वहां पे तैनात सुरक्षा कर्मियों में हट गया। फिर हनुमान को देखते ही पहचान गए कि ये वही वानर है जो कुछ दिन पूर्व लंका को तहस नहस करके भाग गया था, जिसे जलाकर राख करने की चाह में राक्षस ने स्वयं अपने ही घर जलवा दिया। अब यह फिर से लंका बकेड़ा खड़ा करने जा रहा है। वे भागते हुए राज दरबार में पहुंचे, भयभीत स्वर में रावण को सूचित किया, लंकाधिपति अशोक वाटिका को नष्ट करके लंका में आग लगा के भाग जाने वाला है, विशेष से लंका में दृष्टिगोचर हुआ है। हे प्रभु, आप युवराज इंद्रजीत को आदेश करिए कि लंकाधिपति वे तुरंत उसके अपने ब्रह्मपाश में जकड़ लें, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। सुरक्षा कर्मी ये गुहार लगा ही रहे थे कि हेम शैलाभदेहम वाले हनुमान राजसभा के मुख्य द्वार पर पहुंच गए।
सभा द्वार पर लंका के में उत्पात मचाकर जाने को देखकर जो अपने बाएं कंधे पर एक अति विशाल काय गदा को धारण किए हुए था, सनसनाहट फैल गई और युद्ध की आशंका से मेघनाथ सहित सभी योद्धा युद्धक मुद्रा में आ गए। हनुमान जो कि ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं, ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि प्रवेश करना उस राजा के अपमान की श्रेणी में आता है। यह सर्वविदित सत्य है कि अपमान की भूमि पर आग्रह के सम्मान की अट्टालिकाएं नहीं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हनुमान जानते थे कि उनको रावण से आग्रह करना है, तो आग्रह अगर करना है तो अपमान के साथ आग्रह का कोई कोलैबोरेशन होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर्वविदित सत्य है कि अपमान की भूमि पर आग्रह और सम्मान की अट्टालिकाएं नहीं खड़ी हो सकती, तो वे श्रीराम के दूत हैं और दूत का दायित्व होता है कि वह शस्त्र नहीं शास्त्र का आश्रय ले। उन्होंने तुरंत अपने गदा को उपस्थित नाम करते हुए बोले, लंकाधिपति दशानन रावण को रामदूत रामानुदास हनुमान प्रणाम करता है, आपके इस माननीय सभा में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता है। निवेदन करके पवन पुत्र हाथ जोड़कर द्वार पर ही खड़े होकर रावण के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। दूत के व्यवहार में सभा में व्याप्त हलचल को शांत कर दिया, क्योंकि हनुमान का व्यवहार इतना शालीन था कि जितने लोग भी वहां पे युद्धक मानसिकता में आ चुके थे वो उनकी युद्धक मानसिकता समाप्त हो गई और वहां पे सभा का जो वातावरण था वो युद्धक मानसिकता से बदलकर अयोध्या में कन्वर्ट हो गया। अयोध्या आप सभी जानते हैं, अयोध्या का अर्थ होता है या वो स्थान होता है जहाँ युद्ध की संभावना ही ना हो, जहां सशस्त्र योद्धा स्वयं ही निशस्त्र, जिन्होंने रावण की उपस्थिति में बिना युद्ध लड़े रावण राज को राम राज में परिवर्तित कर दिया था। तो इस बात का रावण पर बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने अपने आसन पर बैठे बैठे ही जवाब दिया, महाबली महादेव के कृपा पात्र दशानन रावण की सभा में तुम्हारा स्वागत है। कपि लोकाचार का पालन करते हुए हनुमान ने सर्वप्रथम रावण के आराध्य देवाधिदेव महादेव की जय जयकार करते हुए हर हर महादेव का, उसके बाद अपने प्रभु श्री राम के नाम का जयघोष करते हुए अपना दाहिना पैर रावण की सभा में रखा और रावण के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। उनकी चाल में रावण के प्रति पूर्ण सम्मान था। सिंहासन से एक मर्यादित दूरी बनाकर खड़े हो गए। पहले रावण प्रणाम करने के बाद उन्होंने सभा में उपस्थित ब्रजनों महामंत्री एवं सभी शांत हो गया। वह लक्ष्मण और हनुमान के व्यवहार में अनायासी तुलना करने लगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन बड़ा ही शानदार है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। रावण लक्ष्मण और हनुमान के व्यवहार में अनायासी तुलना करने लगे। वो रावण को लक्ष्मण जो कि रावण को पुरोहित के काम के लिए आमंत्रित करने आया था, वह अपने धनुष बाण सहित सभा में प्रविष्ट हुआ। दूसरी तरफ कपि अपने शस्त्र को रावण के रक्षकों के सुपुर्द करके सभा में प्रवेश लेने की अनुमति लेके आया है। लक्ष्मण की चाल में अधीरता व आवेश था, लेकिन हनुमान की चाल में धीरता व आस्था है। लक्ष्मण को मात्र राजा से मतलब था, किंतु हनुमान को राजा से ही नहीं राजसभा से भी मतलब है। राम का यह दूत मात्र शस्त्र निपुण ही नहीं शास्त्र निपुण भी है। वह अच्छे से जानता है कि राजा के मन को तैयार करने का कार्य राजा के सभासद करते हैं, इसलिए सभासदों का मौन का मन जीतना भी दूत के लिए उतना ही आवश्यक है। लक्ष्मण रावण के व्यवहार से चमत्कृत हो रहे थे, किंतु हनुमान अपने व्यवहार से रावण को चमत्कृत कर रहे थे। लक्ष्मण पूरे व्यवहार में राजा की भावना के प्रति मानता, लेकिन हनुमान के व्यवहार में राज्य की भावना के प्रति मान है, उसकी मर्यादा के प्रति सम्मान से भरा हुआ है। वह यह जानता है कि राजा से अधिक महत्वपूर्ण राज्य होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट द वेलफेयर ऑफ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो रावण ने हनुमान को विचलित करने के लिहाज से हल्की सी उपेक्षा से कहा, कपि तेरे बोलो कपि तेरे स्वामी वनवासी राम ने किस उद्देश्य से तुम्हें महाराजाधिराज रावण के पास भेजा है। यहाँ पे देखिए हनुमान का दिमाग कितना बढ़िया चल रहा है। उन्होंने कहा जब उपेक्षा अपेक्षित हो, मतलब जब डिसरेस्पेक्ट जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, जब उपेक्षा अपेक्षित हो तो वह व्यक्ति को विचलित नहीं सुचलित कर देती है। हनुमान पहले से दिमाग आए थे कि रावण उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा। हनुमान जान गए कि रावण उनके साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है, वह उनके प्रभु को अपमानित करने के लिहाज से वनवासी कह रहा है। वह ये जानना चाहता है
कि राम की दूत के हृदय में राम का वास है या दूत के मस्तिष्क में राम का वास है। तो हनुमान ने यह विचार किया और श्री राम के बारे में विचार करते हुए उनका जवाब आप सुनिए जो हनुमान ने दिया। हनुमान ने बेहद भक्ति भाव से कहा, हे समस्त विद्याओं के स्वामी, त्रिलोक विजेता, संसार की समस्त निधियों को अपने प्रताप से स्वयं के अधीन करने वाले शिव के परम भक्त आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ लंकाधिपति रावण। तो पहले तो रावण की तारीफ कर दी, रावण को अप्रिशिएट कर दिया। अब उन्होंने जो राम को वनवासी कहा था उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया। सर्वप्रथम मैं वन में विचरने वाले सिंह पुरुष, वनवासी को उसने कहा था वन में विचरने वाले सिंह पुरुष मर्यादा और पराक्रम के पर्याय, जिन्होंने वनों में सुप्त पड़ी मानवीय चेतना को अपने संपर्क मात्र से जागृत कर दिया। आप सभी लोग अहिल्या की स्टोरी जानते हैं, जिनको राम ने अपने स्पर्श मात्र से पत्थर को अहिल्या में कन्वर्ट किया था। तो वही यहाँ पे उन्होंने उसी का उल्लेख किया हनुमान ने कि वन में सुप्त पड़ी मानवीय चेतनाओं को अपने संपर्क मात्र से जागृत कर दिया, जिनके स्पर्श मात्र से मृणमय, मृणमय अर्थात मिट्टी का जो बना होता है, मृणमय भी चिन्मय, चिन्मय अर्थात लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग भी लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात मृणमय भी चिन्मय में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दूत हनुमान आपको प्रणाम करता है। रावण हनुमान के इस प्रभाव, इस रावण जो थे हनुमान के इस जवाब से बहुत ही रोमांचित हो गए। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हनुमान ये दूत इतना बढ़िया और इतना शानदार जवाब देगा। तो रावण ने अपनी खुशी और अपने रोमांच को छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, तुम 100 योजन समुद्र पार करके आए हो, थोड़ा थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जोड़ते हुए कहा, लंकाधिपति, यह आपकी सहृदयता है कि आप जन 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 के हृदय सिंहासन पर बैठे जनवादी श्रीराम के दूत को विश्राम करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, किंतु आचार मेरा संकल्प यह है कि जब तक प्रभु की इच्छा पूर्ण नहीं होगी मैं विश्राम नहीं करूंगा। और ये कहकर हनुमान ने अपना निवेदन जो है वो रावण के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य के अधिपति मेरे प्रभु श्री राम, जो महादेव शिव के जो जो ऐश्वर्य के अधिपति मेरे प्रभु वनवासी श्री राम ने महादेव शिव के, जो कि समस्त ऐश्वर्य ज्ञान के स्रोत हैं, जो आपके गुरु भी हैं, उनके पार्थिव स्वरूप के महारुद्राभिषेक के लिए आपको सविनय आमंत्रित किया है। यू आर इन्वाइटेड फॉर द सेम, सो आप पधार कर इस शिव कार्य को संपन्न करें एवं अनुग्रहित करें ताकि पुरुषोत्तम का यह शिव संकल्प निर्विघ्न पूरा हो सके। रावण ने हनुमान की शब्दावली पे गौर किया। रावण ही नहीं, आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी जरा हनुमान जी की इस शब्दावली पे निवेदन ग्रहण करें। उन्होंने पूरे उनका जो पूरा जो आयोजन था उस पूरे आयोजन को उन्होंने शिव कार्य, शिव संकल्प और शिव के महारुद्राभिषेक के लिए ही उसी तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। क्यों शिव संकल्प या शिव कार्य के लिए प्रस्तुत किया? क्योंकि शिव जो थे वो रावण के आराध्य थे, तो उन्होंने रावण के हित के हिसाब से बताया। व्हाट्स इन इट फॉर मी, हम लोग अक्सर कहते हैं WIIFM, तो उन्होंने रावण के परिप्रेक्ष्य से उसको समझा, उस हिसाब से बताया, जहां पे थोड़ी सी एम्पैथी की शुरुआत हो गई, राइट। तो शिव संकल्प, तो हनुमान ने पूरे आयोजन को शिव कार्य, शिव संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। अपने हृदय की प्रसन्नता को छिपाते हुए रावण बोला, कपि, राम की पत्नी सीता इस वक्त मेरे अधिकार में है, तो मैं पत्नी विहीन पुरुष का आचार्य नहीं बन सकता हूँ। हनुमान के हृदय में तो राम धुन बजी रही थी। राम धुन क्या बज रही थी? अगर देखा जाए तो हनुमान के अंदर फियर ऑफ फेलियर नहीं था, वो प्रोसेस में बिलीव करते थे, वो अल्टीमेट रिजल्ट में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए उनके अंदर फियर नहीं था, उनके अंदर फेथ था, और उस फेथ को ही हम रामधुन भी कह सकते हैं। तो हनुमान के हृदय में रामधुन बज रही थी, सहज ही उनके मुख से निकला, तो फिर माता सीता को लेकर चलिए दशानंद, आप माता सीता को लेकर चल सकते हैं। रावण ने कहा, ठीक है कपि, सीता को तो मैं अपने साथ लेकर चलूंगा, लेकिन कौन सी सीता को साथ लेकर चलूं मेरी इस दुविधा का निवारण कर सको, तो मैं चलता हूं। वही प्रश्न जो कि लक्ष्मण से पूछा था, वही रावण ने हनुमान से भी पूछा कि किस सीता को लेकर चलूं, इस दुविधा का निवारण कर दो तो मैं चल सकता हूं। हनुमान ने पल भर में अपने राम को भजा, दो अपने दिमाग में थोड़ा सा टटोला और उन्होंने कहा, महाराज रावण, यदि आप मुझे बता सकें कि आपके पास कितनी सीता है, तो मैं निश्चित ही प्रभु श्री राम की कृपा से आपकी इस दुविधा का निवारण कर पाऊंगा। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। रावण ने कहा कि मैं किस सीता को लेके चलूं, तो इसके बदले में लक्ष्मण ने कहा कि एक ही तो सीता है। इसके बदले में लक्ष्मण ने जवाब दिया था, लेकिन हनुमान ने उत्तर नहीं दिया।
उन्होंने उत्तर के प्रत्युत्तर में एक और उत्तर पूछ लिया। ये पूछा कि महाराज रावण, यदि आप मुझे बता सकें कि आपके पास कितनी सीता है, और ये हमें बताता है द आर्ट ऑफ प्रोबिंग, सवाल प्रश्न करने की कला। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कोई भी बातचीत कर रहे होते हैं, एक जो कंसल्टेंट होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो बहुत सारे सवाल पूछता है। ही ऑलवेज बिलीव्स इन प्रोबिंग, क्योंकि हनुमान जो कि बहुत ही नीति पूर्वक थे और बहुत ही स्वयं भी शास्त्र के बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने यहाँ प्रोबिंग के आर्ट का डिस्प्ले किया और उन्होंने रावण से पूछा कि रावण, यदि आप मुझे बता सकें कि आपके पास कितनी सीता है, तो मैं निश्चित ही आपके इस दुविधा का निवारण कर पाऊंगा। तो हनुमान का यह प्रश्न सुनकर रावण चौंक पड़ा। रावण को उम्मीद भी नहीं थी कि हनुमान ऐसा कोई प्रश्न कर सकते हैं। वो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि महादेव शिव के सिवाय कोई इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है। उसने पहली बार हनुमान के नेत्रों में स्थिरता से झांका। उसे लगा कि जैसे महादेव स्वयं ही कपि के वेश में उपस्थित हैं। वह यंत्र चालित अर्थात ऑटोमेटिकली अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पास दो सीता हैं। अब देखिए, रावण अपने आप ही अपने प्रश्न का जवाब या अपना ऑप्शन हनुमान को दे रहा है। मेरे पास दो सीता हैं, एक वो है जो कि लौकिक जगत में, लौकिक बोले तो इन द फिजिकल वर्ल्ड, जो कि लौकिक जगत में राम की पत्नी के रूप में जानी जाती है, जो इस समय अशोक वाटिका में स्थित है, और दूसरी सीता वो है जो जगदम्बा स्वरूप मेरे हृदय में वास करती है। कपीश्वर, मुझे बताएं इनमें से मैं किस सीता को अपने साथ लेके चलूं जिससे राम के शिव संकल्प को मैं पूरा कर सकूं। हनुमान ने निमिष मात्र अर्थात एक सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, अपने नेत्र बंद किए और अपने ध्यान में श्री राम को प्रणाम किया और उच्च स्वर में बोले, रावण, जिसे तुम बलात् उठा के लाए हो, जिन्हें तुम बलात् अर्थात फोर्सफुली जिन्हें तुम बलात् उठा के लाए हो, वो प्रभु श्री राम की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। उनकी चिंता तुम मत करो, उन्हें तो श्री राम स्वयं ही भूल उन्टित अर्थात तुम्हें पराजित करके अपने साथ लंका ले जाएंगे। अभी तो तुम अपने हृदय में विराजमान मात्र स्वरूपा जगदम्बा सीता को साथ लेकर चलो, क्योंकि किसी भी माता के लिए गौरव की बात होती है कि उनका पुत्र शुभ कार्य हेतु जाने वाले यज्ञ में आचार बने। कितनी स्मार्टली हनुमान ने सीता को रावण की माता के तौर कर दिया। उन्होंने क्या कहा, फिर से दोबारा सुनिएगा, स्वरूपा जग को अपने साथ, स्वरूपा कह दिया तो आगे की लाइन भी उसी तरह आ गई कि मात्र स्वरूपा जगदम्बा सीता को अपने साथ लेके चलो, क्योंकि ये किसी भी माता के लिए गौरव की बात होती है कि उनका पुत्र शुभ कार्य हेतु जाने वाले यज्ञ में आचार बने, और उस पुत्र का भी परम सौभाग्य होता है कि माँ की प्रेरणा से मातृ कल्याण जन कल्याण के लिए किए जाने वाले महान योग्य के पुरोहित कर्म के लिए संसार ने उसके पुत्र को सुयोग्य या उपयुक्त समझा और सुअवसर प्रदान किया। ये जो कम्युनिकेशन था, इससे रावण बहुत ही आनंद से भर गया, बहुत संतुष्टि बोले कि हनुमान, तुम्हारे जवाब से मैं आनंदित नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और रावण तुरंत वहां उठ खड़ा हुआ और अपने सभा सदों को वहां छोड़कर अपने हृदय में विराजमान जगदम्बा स्वरूप सीता को अपने साथ लेकर हनुमान के साथ तत्काल ही राम के शिविर की ओर रवाना हो गया। राइट, तो यहाँ पे जरा आई स्टॉप शेयरिंग दिस और अपना वीडियो ऑन करता हूं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा और सुना, जितनी भी इंटरमिटेंट आवाज थी, यहाँ पे आपने सुना कि किस प्रकार लक्ष्मण और हनुमान दो लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन किया। लक्ष्मण और हनुमान का जो ये प्रेजेंटेशन था, भले उन दो लोगों ने अलग अलग किया, ये सिर्फ एक दो चरित्र यहाँ पे नहीं है रामायण में, ये दो चरित्र नहीं बल्कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसको लक्ष्मण और रावण, लक्ष्मण और हनुमान के द्वारा यहाँ एक्सप्लेन किया गया। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू विद द कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण and with character of Hanuman, and this is how this is going to take care. और जरा हम एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों का अगर हम comparison करें, if we compare the two, the approach of Lakshman and the approach of Hanuman. So I'm going to share my screen and I'm going to compare the two of the approaches. And the two of the approaches are like this. एक हमारी approach है, there are two school of thoughts. One school of thought is by Lakshman and the other school of thought is by Ravan. अगर आप देखें तो लक्ष्मण का जो school of thought था, उसमें था what is the right answer,
लक्ष्मण हनुमान को लक्ष्मण रावण को जवाब देने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हनुमान का जो सफलता मिली है उसको सफलता मिली व्हाट इज द राइट क्वेश्चन। हनुमान ने अपनी प्रोबिंग को अपने आगे रखा। जब भी ऑब्जेक्शन में आ गए तो उन्होंने रावण के ऑब्जेक्शन को दो हिस्सों में बाधित कर दिया, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। उन्होंने उसको कैसे किया, प्रश्न पूछ के। तो हनुमान के लिए व्हाट इज द राइट क्वेश्चन वाज मोर इम्पोर्टेंट, लक्ष्मण के लिए व्हाट इज द राइट आंसर। लक्ष्मण एक अपना पर्सनल एजेंडा ड्राइव कर रहे थे, उनका कार्य यही था कि बस किसी तरीके से येन केन प्रकारेन हनुमान रावण को अपने राम के शिविर में ले जाएं और उसको किसी तरीके से मना लें। हनुमान अपना पर्सनल एजेंडा ड्राइव नहीं कर रहे थे, ही वॉज डिस्प्लेइंग एम्पैथी एट एवरी स्टेप। वो सहृदयता हर जगह प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले अंदर जाते ही अपना जो गदा थी, अपना जो शस्त्र था, वो द्वारपाल को दे दिया। उन्होंने अंदर जाते ही सबसे पहले सभी राज्य में राज्यसभा में बैठे सभी ज्ञानी ज्ञानी लोगों को, सभी राज्यसभा के सभी मेंबर्स को उन्होंने निवेदन किया, नमस्कार किया। उन्होंने सिर्फ रावण की ही गरिमा को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने संपूर्ण राज्यसभा की गरिमा को भी ध्यान में रखा। क्योंकि और उन्होंने सिर्फ और जब रावण ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने रावण के साथ एम्पैथी दिखाते हुए रावण के मन में जाने की बात करी। उन्होंने सारी बात रावण के पर्सपेक्टिव से की। उन्होंने हर बात में शिव कार्य, शिव 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 का महारुद्र अभिषेक, हर चीज में शिव को आगे रखा। और शिव क्योंकि क्योंकि शिव जो थे वो रावण के आराध्य थे, तो इसलिए एम्पैथी का उन्होंने पूरा यहाँ पे परिचय दिया। लक्ष्मण जो थे प्री जनरेटेड सॉल्यूशन के साथ गए थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन ले लिया और जो सॉल्यूशन पहले से ही था उसी को लेकर गए थे। हनुमान ने को जनरेटेड सॉल्यूशन में बिलीव किया। हनुमान ने सॉल्यूशन जनरेशन के साथ रावण को भी उसका हिस्सा बनाया, अपनी बातचीत से रावण को भी साथ में रखा। लक्ष्मण के अंदर फियर था, लक्ष्मण के अंदर डर था, लक्ष्मण के अंदर फियर ऑफ फेलियर था, हनुमान के अंदर फेथ था। हनुमान वॉज एक्साइटेड एंड लक्ष्मण वॉज हैविंग फियर। लक्ष्मण वॉज टेलिंग मोर, लक्ष्मण बता ज्यादा रहे थे, एंड हनुमान वॉज लिसनिंग मोर। जिसको हम कह सकते हैं लक्ष्मण डेटा पे ज्यादा बात कर रहे थे, हनुमान के पास स्टोरी ज्यादा थी। जैसा कि आपने बताया कि किस प्रकार से वनवासी श्रीराम को उन्होंने मृणमय को भी चिन्मय में परिवर्तित करने वाली स्टोरीज के बारे में बताया। किस प्रकार से सिंह रूपी वनवासी श्रीराम वन में उन्होंने क्या क्या कहानी थी, किस प्रकार से उन्होंने रावण के बाकी सेनाओं को वन में हराया था, शूर्पणखा के साथ जो उन्होंने किया, या रावण ने किस तरीके खरदूषण को हराया था, तो उन्होंने स्टोरीज को समन्वय किया था। लक्ष्मण कंक्लूसिव ज्यादा थे, वो कंक्लूजन हर चीज में निकाल लेते थे। हनुमान एक्सप्लोर कर रहे थे, वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे थे, ही वॉज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज। लक्ष्मण वॉज कंक्लूडिंग एवरीथिंग, लक्ष्मण वॉज टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, हनुमान वॉज टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स। हनुमान का ध्यान फीलिंग पे ज्यादा था। लक्ष्मण स्लोड थे, लक्ष्मण पूरे सभा में अकेले पड़ गए थे। लक्ष्मण रावण ने पूरी तरीके से अपने प्रभाव में कर लिया था, लेकिन हनुमान के साथ रावण और हनुमान दोनों कोलैबोरेटिव थे, दोनों एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के साथ रेवोल्यूशनरी थे। वो पहले ही सोच के आए थे कि क्या कर रहे थे, क्योंकि बोरिंग किस्म का काम था। हनुमान वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी इन हिज ओन अप्रोच। ये टू स्कूल ऑफ थॉट थी, और अगर हम देखें तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट काफी कुछ मैच करती हैं। का मॉडर्न मैनेजमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात करें तो डिजाइन ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है व्हाट इज द राइट आंसर, डिजाइन थिंकिंग कहती है व्हाट इज द राइट क्वेश्चन। ट्रेडिशनल थिंकिंग इज रिपीटेबल, डिजाइन थिंकिंग इंट्यूटिव। ट्रेडिशनल थिंकिंग वी डिजाइन फॉर, एंड डिजाइन थिंकिंग में वी डिजाइन विद, जहां पे एम्पैथी काम आ जाती है। ट्रेडिशनल में वी थिंक फॉर इनसाइड, डिजाइन में वी बिल्ड फॉर इनसाइड। ट्रेडिशनल में वी टेल मोर, डिजाइन थिंकिंग में वी लिसन मोर। ट्रेडिशनल में वी आर स्टक इनसाइड, डिजाइन थिंकिंग में वी गेट आउटसाइड। ट्रेडिशनल में वी थिंक अबाउट डेटा एंड स्टोरीज, और डेटा एंड डिजाइन थिंकिंग वी टेल अबाउट स्टोरीज। और इन ट्रेडिशनल थिंकिंग वी टॉक अबाउट द इवेंट्स, और डिजाइन थिंकिंग में वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस। ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम फैक्ट्स की बात करते हैं, और डिजाइन थिंकिंग में हम फीलिंग की बात करते हैं, और स्लोड, कोलैबोरेटिव, एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी, राइट? सो हियर आई विल स्टॉप शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भगवान हनुमान ने
रामायण के युद्ध में त्रेता रामायण के युद्ध के दौरान त्रेता युग में एक सबसे पहला एग्जाम्पल डिजाइन थिंकिंग का हम लोग के समक्ष रखा था, और वो डिजाइन थिंकिंग आज हम वेस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मोदी साहब ने कहा था, बी वोकल फॉर लोकल, तो जब हमारे पास अपने एशियन स्क्रिप्चर्स में, अपने एशियन लिटरेचर्स में इतने शानदार एग्जाम्पल्स पड़े हैं, तो शायद हमें क्या जरूरत है किसी और के पास जाने की, कहीं और देखने की। शुक्रिया दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। आई क्लोज माई प्रेजेंटेशन, और अगली बार यदि मौका मिला तो मेरे पास एक और, मैंने बहुत ही अच्छा, मैंने कई और चीजें डेवलप कर रखी हैं, एक और मैंने वेबिनार और एक और मैंने प्रेजेंटेशन डेवलप किया है, जिसमें मैं राम और हनुमान के रिलेशनशिप को स्टीफन कवी के मैच्योरिटी कॉलेंडियम के साथ मैच करता हूँ। राइट, तो आप सभी जानते हैं स्टीफन कवी इज वन ऑफ द मोस्ट गुरु ऑफ, एंड उन्होंने एक किताब लिखी है 7 Habits of Highly Effective People। उनका जो मैच्योरिटी कॉलेंडियम है, उस मैच्योरिटी कॉलेंडियम में जहाँ पे वो 3 तरीके की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट, तो उन रिलेशनशिप को मैंने हनुमान और राम के रिलेशनशिप के थ्रू उसको मैच किया है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर कभी। और आज इसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और आप सभी से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, यदि कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच होकर निर्विकार रूप से उन प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। जिमी, कैन यू कम फॉर द जिमी अवधेर? ओके, संजीव कुमार जी कहते हैं थैंक्स मिश्रा जी एंड जिमी गुलवान। ओके, अमित सिन्हा जी, थैंक यू अरविंद जी। अनुज टंडन जी कहते हैं इनसाइटफुल अरविंद जी। एनी क्वेश्चंस? आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर क्वेश्चंस, बिकॉज आई लव टू आंसर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। यस शर्मी जी, आप तो आप क्या बोल सकती हैं, आपको अधिकार देना पड़ेगा बोलने के लिए। Please unmute. Okay, तो मुझे को जरा जाना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स में। पार्टिसिपेंट्स में can you raise your hand? जल्दी से जाते हैं। Yes, question was by consultant. Yes, कैसे unmute किया जाए? Unmute already है, शायद मेरे पास unmute करने का अधिकार है नहीं। I'm not the host at present, I suppose. Host is Akriti Juneja. Akriti Juneja, आप host हैं, तो क्या आप unmute करने का option दे सकती हैं? Consultant, yeah, what you can do? Akriti, आप इस वक्त host हैं. I don't know how you are the host. कह रहे, अगर आप host right मुझे देते, तो मैं शायद अनुमति दे सकता हूँ, unmute कर सकता हूँ. या सर, मुझे खुद आईडिया नहीं है, हाउ डू आई डू दैट? ओके, आई डोंट नो हाउ डिड आई इवन बिकम होस्ट। ओके, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं, जो कि कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर चीजें होती हैं। तो मैं आपके पास जो सवाल है कंसल्टेंट शर्मी जी, आप उसको टाइप कर सकती हैं, तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास कर सकता हूं। और जरा मैं देखूं बाकी, तब तक चैट में क्या-क्या बात लिखी जा रही है। अनुज टंडन जी कहते हैं इंसाइटफुल अरविंद जी, थैंक यू अनुज टंडन जी, थैंक्स जिमी फॉर अरेंजिंग दिस। पेनेलोप ट्रिनिडैड कहते हैं थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इंसाइट्स। अमित सिन्हा जी कहते हैं इट वाज अ स्पेल बाउंडिंग सेशन, ओह सो नाइस ऑफ यू। मैं बड़ा ही इस बात के लिए आपके क्षमा का प्रार्थी हूँ कि आवाज थोड़ी सी उतने रवानगी के साथ नहीं आ रही थी, जितनी रवानगी के साथ मैं बोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने साथ दिया। यू ऑल आर फैंटास्टिक, प्लीज अनम्यूट। कंसल्टेंट शर्मी जी, क्योंकि किसी तरीके से अगर मैं होस्ट बन जाऊं, कंसल्टेंट नहीं करते, कंसल्टेंट करते। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, आई कैन हियर यू जी, मैं सुन सकता हूँ। जी शर्मी जी, आप बता सकती हैं आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं पूछ रही थी कि एक वर्ड काफी आ रहा है, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग साइलेंट में आ जाए, तो मैं शर्मी मित्रा जी का सवाल और बेहतर तरीके से सुन पाऊंगा। जी शर्मी जी, बताएं। डोंट कोलैबोरेटिव एसेंस, बताएं। आई अंडरस्टैंड
और मैं साथ में यस नाउ आई कैन अनम्यूट माय सेल्फ। और क्या शमी जी मेरे को नजर आ रही हैं? यस जिमी इज हियर राइट ओके जी यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अब मैं होस्ट बन चुका हूं, सारे अधिकार मेरे पास हैं। यस नाउ आई एम होस्ट। थैंक यू अनिरुद्ध। सुरेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर चुका हूँ, आप बता क्या आप हैं? राहुल जैसा कहते हैं, such instances when you take project from one team member to other, they can have dispute. In modern age, people are not as mature as Hanuman and Lakshman has. So how to handle? आपकी बात बिल्कुल सही है राहुल चर्चिया जी। आज के दिन में लोग बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं और हनुमान और लक्ष्मण की तरह। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि हमने बताया कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक संपर्क आया था कि हमारी असफलता हमारे दुख का कारण है। हमारी एक ही तरीका है राहुल चौरसिया जी कि बेसिस पे काम करना शुरू कर दिए, चाहे जितना भी आपके अंदर डिस्प्यूट हो अगर आप प्रोसेस पे काम करेंगे। यहाँ भी देखेंगे हनुमान ने प्रोसेस सही किया, उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया था। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो आप प्रोटोकॉल को यूज करेंगे ना, इधर से चल रहा है इधर यूज करेंगे हम नॉट रिसीव बटन बोल तो फॉलो करेंगे आएगी तो आज जिमी टू कम। जिमी आप
जो है मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनुज अगर प्रोसेस में फ्लो की बात करें तो फिर वो कहाँ का डायरेक्ट करना पड़ेगा, हम जैसे मैंने आपको अभी बात बताई थी डिजाइन थिंकिंग में आइडिया करते हैं पूरा प्रोसेस होता है, हम डिजाइन थिंकिंग को फॉलो करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं। Arvind, excellent perspective connecting it to design thinking. In fact, this is my first time heard of this part of Ramayana. Yeah, Krishna Rao ji, Ramayana ke kahi chare mudde hain, kahi rahasya hain, jo aaj bhi hum logon ko nahi malum hai. Aur main bilkul aap logon se ye prarthna karunga ki Ashutosh Rana ki jo kitab hai Ramraj, is kitab ko aap zarur ek baar padhein, aur ek baar padhenge to kafi मनोवैज्ञानिक रूप से जो कई चीजें हैं वो आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। यस ऑल द कैरेक्टर्स हैव डिस्प्लेड हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यस राइट अनुपूर्णा जी। नवदीप शर्मा जी कह रहे हैं टुडे पीपल गेट रिवॉर्ड्स ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट्स नॉट द प्रोसेस दे फॉलो। डोंट यू थिंक ऑल थिंग्स आर जस्ट गेट ट्रीटेड एज ज्ञान ओनली। नवदीप शर्मा जी यहाँ पे क्या होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। रामायण में लोगों को, इस दुनिया में जो लोग होते हैं उनको दो प्रकार के लोगों में डाला गया है। एक होते हैं ज्ञान मार्गी, एक होते हैं भक्ति मार्गी। ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी में क्या अंतर होता है, नवजी शर्मा जी इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ज्ञान मार्गी होते हैं, ज्ञान मार्गी व्यक्ति क्या करता है, वो पहले हर चीज को समझता है। वो चाहता है कि मुझे पहले कन्विंस करो, और वो पहले हर चीज को समझेगा, हर चीज में कन्विंस होना चाहेगा, और जब हर चीज सारी चीजों का उसका डाउट खत्म हो जाएगा तब जाके वो अपना समर्पण आपके सामने देगा। ये ज्ञान मार्गी होता है। दूसरा व्यक्ति होता है भक्ति मार्गी। जो भक्ति मार्गी होता है वो क्या करता है, वो पहले समर्पण कर देता है और समर्पण के बाद समझने की कोशिश करता है। तो जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं वहां पे लोग ज्यादातर ज्ञान मार्गी हैं। वो चाहते हैं पहले मैं जानूं, जिसको हम इंटेलेक्ट भी कहते हैं आज के दिन में। इंटेलेक्ट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, और जो भक्ति मार्गी होता है वो इंटेलिजेंट कहलाता है। वो पहले अपने आप को समर्पण कर देता है, जो परमानेंट इंटेलिजेंस है उसमें एक बार समर्पण कर दिए, फिर उसके बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, बाकी चीजें खुद ब खुद अपने हाथ होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं ज्ञान मार्गी अच्छा है या भक्ति मार्गी अच्छा है, दोनों मार्ग अच्छे हैं नवदीप शर्मा जी। अगर जो ज्ञान मार्गी है वो क्या कहते हैं, छोटी सफलता बहुत जल्दी अर्जित कर लेगा क्योंकि वो इंटेलेक्ट के बेस पे काम कर रहा है, लेकिन जो भक्ति मार्गी है उसको बड़ी और लंबी सफलता जल्दी मिलेंगी। तो जिस तरीके का मार्ग आप अपने आप चलेंगे उसी प्रकार की आपको सफलता मिलेंगी। तो इसको हम ज्ञान नहीं कह सकते हैं। ऑथर का नाम है कृष्ण राव जी आशुतोष राणा, जो कि बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट भी हैं, राइट। तो नवदीप शर्मा जी ये जो ज्ञान मार्गी और
भक्ति मार्गी का जो अंतर बताया है, या फिर जिसको हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो इंटेलेक्ट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस को किनारे कर देते हैं। इंटेलिजेंस के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, इंटेलिजेंस हमारे अंदर इनहेरिटेड होती है, लेकिन इंटेलेक्ट हम लोग इंफॉर्मेशन के थ्रू डेवलप करते हैं, राइट। सो अगर आप प्रोसेस में जाएंगे तो शायद आपको समय थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। और जैसे आप लोग कहा जाता है कि एक कहावत कही है कि इफ यू वॉन्ट टू कन्विंस पीपल यू डोंट हैव टू गेट इन टू देयर हेड्स, यू हैव टू गेट इन टू देयर हार्ट। अगर आपको लोगों को प्रभावित करना है तो आपके उनके उनके दिमाग में नहीं, आपको उनके हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। और हृदय में प्रवेश करने का रास्ता हमेशा थोड़ा सा लंबा ही होता है, हृदय में प्रवेश करने में थोड़ा समय लगता है, उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आप किसी के हृदय में प्रवेश कर गए तो फिर आपको जीतने से, आपको विनर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जानते हैं गुलजार साहब ने कहा है कि जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बस दिक्कत यह है कि लोगों पास, अगर लोगों पास थोड़ा वक्त आ जाए तो शायद और बेहतर तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, और प्रोसेस को फॉलो हम करते नहीं है। और एक और बात करना चाहूंगा कि हम लोग के आज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आज हम लोग की दुनिया है, हम लोग बड़े अनिश्चितता के माहौल में है। अनिश्चितता का माहौल इसलिए है, या तो हम लोग, कई लोग आपसे से भी आपके बॉसेस ने कहा होगा भाई या तो टारगेट पूरा कर लो या प्रोसेस पूरा कर लो। हम जब मर्जी होती है टारगेट की बात करते हैं, जब मर्जी होती प्रोसेस की बात करते हैं, हम एक चीज पे अटल नहीं रहते, राइट। सो थैंक यू सर, एनी मोर क्वेश्चंस? अब लोग आप लोग म्यूट होके भी आ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। और जाने से पहले मैं आप लोगों से इजाजत देता हूं, और आपसे पूरी ही, आप सबसे अनुनय समय निवेदन करता हूं कि अपने आप को हेल्दी रखें, और अपने आप को हेल्दी के साथ साथ सतर्क भी रखें। बी हेल्दी एंड बी सेफ एंड प्रैक्टिस आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एज मच एज पॉसिबल। और दोबारा मौका मिलता है तो दोबारा मिलते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, मैनेजमेंट फ्रॉम माइथोलॉजी, राइट। जोया अम्यूट होना चाहती है? जोया यस, या जोया, जोया आप अम्यूट हो चुकी है जी। हेलो, या जोया। हाय अरविंद, हाय, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस today. I believe we had some technical glitches today, but somehow when you're dependent on technology so much, we cannot really help it at all times. But we hope you loved the session, Arvind ji. You were amazing as usual. We hope we have recorded this session. We shall be uploading it on our YouTube channel. Look out for Jimmy Jain's YouTube channel. And we shall do this once again so that the next time we do it, we have less of technical glitches and we can, take in all that Arvind has shared much better. We hope to see you all again. And thank you, Arvind ji. The session was really great. Thank you. Thank you and namaskaram. Shukriya. शर्मी जी, आप अपना सवाल मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, आई हैव शेयर्ड माय नंबर। मैं एक बार फिर से नंबर शेयर कर देता हूं आप सबके साथ। सो दिस इज माय नंबर, यू कैन शेयर मी, आई एम अवेलेबल। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल, 9721999982। यस, तो शर्मी जी आप मुझे जरूर इस पे सवाल पूछें, मेरे को जवाब देने में बेहद आनंद की प्राप्ति होगी। नमस्कार।